दर्शा साथियों उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू नाउ इन दिस वेरी सेशन वी आर गोइंग टू डी द आफ्टर टू ट्वेंटी एग्जामिनेशन जिसकी नोटिफिकेशन इज राउंड द कॉर्नर बहुत जल्द हम नोटिफिकेशन भी देखेंगे जून के फर्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू बी नोइंग एग्जैक्टली ये एग्जाम कब होने वाला है इसके बारे में जो भी यू uh, नो you know, प्रसाइज चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे एंड आई एम श्योर कि उससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि ये जो एग्जाम है

वन ट्वेंटी मिनट के एग्जाम है हंड्रेड क्वेश्चन आते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन थ्री मार्क्स का होता है इसलिए मार्क्स मैक्म हैं टोटल मार्क्स हंड्रेड मार्क्स बनते हैं सब्जेक्ट्स वी हैंट जी के दैट इज जनरल अवेयरनेस वी हैव गॉट इंग्लिश हैव गॉट न्यूमेरिकल एबिलिटी जो कि मैथ्स आप मान सकते हो बेसिक क्वांट क्वांट देन वी गॉट रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि ये क्या है इसके फोर एक तरह से कंपोनेंट्स हैं क्या है ये फोर कंपोनेंट्स हैं किसके एफ कैट एग्जामिनेशन के मैं फिर से बताना चाहूंगा ऑनलाइन एग्जाम है बेटे हंड्रेड क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन थ्री मार्क्स का होता है इसलिए थ्री हंड्रेड मार्क्स का पेपर है वन ट्वेंटी मिनट्स की ड्यूरेशन है वन थर्ड इज द नेगेटिव मार्किंग जो कि माइनस वन मार्क्स आपके होंगे एक खास जो चीज़ है आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है यू टॉक बर द एफ्टर एग्जामेशन एक चीज़ का भी याद रखना मैं जस्ट आपकी क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चे ये डाउट्स पूछते हैं कि सर कट ऑफ कितनी जाती है थ्री हंड्रेड में से आउट ऑफ थ्री हंड्रेड मार्क्स कट ऑफ जो है वो वन फिफ्टी फाइव से वन सिक्सटी फाइव की रेंज में जाती है नॉर्मलाइजेशन भी होती है वैसे तो आउट ऑफ थ्री हंड्रेड मार्क्स लेकिन अगेन वॉट आई वुड सजेस्ट यूज आपको इसको टारगेट नहीं बनाना है आपका जो टारगेट होना चाहिए कभी भी आप एग्जाम में बैठते हो तो टारगेट ऑलवेज हैजू बी टू हंड्रेड प्लस दो सौ बीस बच्चे लाते हैं ठीक है सो ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं मार्क्स अगर आप सिक्योर करना चाहते हो अपनी मेरिट जो है तो 200 मार्क्स प्लस जाने no की कोशिश करनी है नो डाउट आपको वन फिफ्टी से वन के बीच में ए की कॉल आ जाती है बट स्टिल यू हैव टू टारगेट दैट प्रोसेस की मैं जब बात करूँ देखिए अभी आप फॉर्म फिलिंग करेंगे जून में उसके बाद रिटर्न एग्जाम आपका हो जाएगा अगस्त में फिर उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो सेंटर सिलेक्शन ए भी इंटरव्यू ये सब चीज़ें होती है स्टेज थ्री में तो अभी हम लोग एकदम स्टेज वन पे हैं तो क्योंकि अगस्त में एग्जाम होगा तो मेरे हिसाब से तीन महीने का समय है आपके पास रफली मई से जून जून से जुलाई जुलाई से अगस्त सो ये थ्री मंथ्स का जो टाइम है अभी आपके पास इसको प्रॉपर तरीके से कैसे यूटिलाइज किया जाए उसके लिए सेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप देखते हो इस एग्जाम को तो आपकी वेटेज कुछ लगभग इस तरह की है जीके ऑलमोस्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट आएगा आउट ऑफ हंड्रेड क्वेश्चन थर्टी परसेंट इंग्लिश आ जाएगी पच्चीस परसेंट रीजनिंग होगी और बीस परसेंट मैथ्स आएगा ये प्लस माइनस हो सकता है पाँच परसेंट लेकिन मोरोलेस ऐसा ही हमने पैटर्न देखा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब क्योंकि न्यूमेरिकल एबिलिटी या मैथ्स की हम बात करते हैं उसमें क्या पूछ रहा है वो डेसिमल फ्रैक्शन के क्वेश्चन आ रहे हैं परसेंटेज है क्लॉक्स है डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस रेशियो प्रपोशन ये सब मतलब बेसिक मैथ्स है अरिथमेटिक है ये बहुत हाई ऑर्डर का मैथ्स नहीं आता एवरेज है यू नो रेसेस हम बात करते हैं ट्रेन बोट्स की टाइम एंड वर्क एरिया एंड पैरामीटर मिक्सचर एलिगेशन हो गया प्रोबेबिलिटी है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट ये सब चीजें आ रही हैं तो आप एक चीज का ध्यान रखें हमेशा कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ध्यान देना एडवांस मैथ्स नहीं करना है दूसरी बात का आपने ध्यान देना है बेटे बुक्स ऑफ फॉर्मूला आप बना के रखो मैंसोरेशन वगैरह के लिए वो आपको रिविजन में हेल्प करेगी अगर दो घंटा भी आप देंगे अगर आप वीक भी हैं तो आपका अच्छे से हो जाएगा इन तीन महीनों में मॉक टेस्ट दीजिए प्रैक्टिस करिए उससे ही आप अपने मैथ्स को मैथ्रूव करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो मैथ से डरते हैं नॉर्मली क्या होता है सीडीएस के अंदर ऐसा हो जाता है कि भाई आप से बहुत बच्चे जो डरते हैं वो ओटीए ऑप्ट कर लेते हैं कि जी इंग्लिश पढ़ेंगे जीके पढ़ेंगे ओटीए में जाएंगे लेकिन अनफॉर्चुनेटली एफकेट के अंदर आप ये नहीं कर सकते क्योंकि एफकेट में क्वांट के क्वेश्चंस तो आएंगे ही आउट ऑफ हंड्रेड क्वेश्चन तो अगर आप वो पच्चीस क्वेश्चन छोड़ने का सोच रहे हैं तो दैट्स नॉट अ वाइज थिंग टू डू बिकॉज साठ से सत्तर अस्सी नंबर जो है वो आपके इम्पैक्ट हो जाएंगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे इसलिए ये सब बेसिक्स है जो टॉपिक्स है वो तो आप कर ही सकते हो ऑन टॉप ऑफ दैट जब रीजनिंग की बेटे बात करते हैं तो आपको ये सब टॉपिक ऑड वन आउट हो गया हिडन एम्बेडेड फिगर्स है सीरीज कम्पलीशन सिक्वेंसिंग हो गया ये बेसिक क्वेश्चन है पैटर्न को कम्पलीट करो डॉटुएशन एनालिसिस है यू नो वेन डायग्राम है फिगर मेट्रिक है ब्लड रिलेशन कोडिंग डिकोडिंग ये सब चीज़ें आ रही हैं आपको जो वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग जो है मुझे ऐसा लगता है कि हर एक स्टूडेंट थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस करेगा तो उसको मास्टर कर देगा इनफैक्ट मैं ये बात बोलता हूँ कि जो एफकेट की रीजनिंग है वो स्कोरिंग है इट्स वेरी मच स्कोरिंग रीजनिंग एंड आई ऑलवेज फील कि यू कैन डू इट प्रिसाइसली इंग्लिश की मैं जब बात करता हूँ ऑफ कोर्स आपको ये सब टॉपिक्स कर रहे हैं जैसे वो कैबलरी पर आप काम करोगे ही देन कॉम्प्रिहेंशन हो गया सेंटेंस कंप्लीशन है देन सेंटेंस रीअरेंजिंग हो गया सब्सिट्यूशन के वन वर्ड सब्सिट्यूशन की बात करते हैं क्लोज टेस्ट है ये सब चीजें आपने अच्छे से यहाँ पे करनी है दैट इज ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट तो वोबुलरी को अगर आप रोज का एक घंटा देते हो यू प्रैक्टिस वन रीडिंग कॉम्पिटेशन डेली एंड यू प्रैक्टिस ग्रामर थ्रू एम सी क्यूज आई थिंक यू आर गुड टू गो नॉट एंड इशो विद दैट जनरल अवेयरनेस में आप एक चीज ध्यान में रखना जी ए जो है इनकी जनरल अवेयरनेस या जी के आप बोलते हो तो उसमें आपने इन टॉपिक्स को पहले तो मास्टर करना है जैसे नोबेल प्राइज़ अवार्ड्स है वो सब पढ़ो ओलंपिक्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं स्पोर्ट्स के रिलेटेड जैसे टूर्नामेंट्स हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ हैं अलग अलग कंट्रीज़ की कैपिटल क्या है करेंसी क्या है मुद्रा राजधानी इंपॉर्टेंट डेज आते हैं जैसे वर्ल्ड वेटलैंड डे उसकी थीम क्या थी ये सब पूछ लेगा कब मनाया जाता है वो पूछता है गवर्नमेंट के छोटे मोटे इनिशिएटिव जो न्यूज़ में थे वो पूछ लेगा डिफेंस फोर्सेज है उनकी मोटोज याद करके जाइएगा डिफेंस इक्विपमेंट कोई टैंक हो सकता है कोई मिसाइल हो सकती है कोई प्लेन है कोई सबमरीन है कुछ भी ये सब पूछ लेगा मिलिट्री uh, अलग अलग एक्सरसाइज जो एक्सरसाइजेंट टाइम्स में हुई हैं या ऑपरेशन जो पास्ट में हुए हैं जैसे ऑपरेशन कैक्टस हुआ या अभी एवैक्शन ऑपरेशन बहुत न्यूज में हैं जो इंडिया ने किए हैं तो वो कई बार आ जाता है दैट इज ऑफकोर्स इम्पोर्टेंट देन इंटेलिजेंस एजेंसीज की हम लोग बात करते हैं दे आर ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट कौन सी कंट्री को बिलोंग करती है जैसे मुसाद है इसराइल की यू नो के जी बी रशिया की होती थी एम आई सिक्स ये सब यू के की तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं नेशनल पार्कस कहाँ पर है कोई पर्टिकुलर पार्क साइंस से रिलेटेड फैक्ट्स है बुक्स एंड ऑथर्स पर क्वेश्चन आते हैं बेसिक पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे यू नो मॉडर्न हिस्ट्री के विलफाइन क्वेश्चन सो दीज आर द कांड ऑफ द क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन आपको आएंगे स्टार्टिंग जी के में भी देखिए अलग अलग टॉपिक्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं मतलब ये वैसे तो मैंने अभी जो आपको बात बताई है वो स्टार्टिंग जी के टॉपिक्स थे लेकिन वही है कि अवार्ड्स हो गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहाँ पर है इंपॉर्टेंट डेज मैंने बताया रिपोर्ट्स और इंडस्ट्रीज नेशनल पार्कस रामसर साइट्स हो गई फर्स्ट इन इंडिया फर्स्ट इन वर्ल्ड डांस है म्यूजिक है फेस्टिवल है थोड़े बहुत उससे क्वेश्चन आ जाते हैं कंट्री वगैरह मैं बता ही चुका हूँ तो ये सब भी मतलब स्टार्टिंग जी के बहुत इंपॉर्टेंट है एफकेट में तो इसको इग्नोर मत करिएगा ये मैं आपको बताना चाह रहा था तो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट सॉल्व करोगे जितने मॉर्क्स उतने आप ब्राइट होते चले जाओगे किसी भी एग्जाम का अगर आपको सिलेबस पता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता है रीसेंट ट्रेंड्स पता है तो आपको सिर्फ रेगुलर प्रैक्टिस और रिविजन ही है जो आगे लेकर जा सकता है ये बात याद रखेगा एंड बिफोर ए रैप दिस सेशन आप याद रखें कि इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू चूज टू गिव अप तो ये जो थ्री मंथ्स का टाइम है इसको अपना हंड्रेड परसेंट अगर आप दोगे तो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू डू वेल कमेंट करके पूछिए कोई भी डाउट है तो आकाश नंदिर जी के बूस्टर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें स्कैन कर सकते हैं इस कोड को या फिर आप सर्च कर लो आपको आराम से मिल जाएगा मैं डेली वगैरह भी वहाँ पे डालता रहता एंड यू कैन ऑन दिस नंबर नंबर टोल फ्री है का सिक्स वन ये भी आपको काफी हेल्प कर सकता है सो दैट्स वेरी मच इट फॉर नाउ थैंक यू सो मच शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको हेल्प मिले टेक केयर एवरी जय हिंद जय भारत Keep